दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग कान में बिना तार वाली एक छोटी सी मशीन लगाए होते हैं जिसके जरिए वे किसी से बात करते दिख जाते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि उस छोटी सी मशीन को क्या कहते हैं? जी हाँ, सही कहा आपने, इसे ब्लूटूथ कहा जाता है। दोस्तों इस डिवाइस में कभी आपने कोई दांत देखे हैं? नहीं ना, फिर भी इसे नीला दांत कहा जाता है। आखिर क्यों? दोस्तों क्या है ब्लूटूथ और यह कैसे काम करता है? ब्लूटूथ किस काम आता है और आखिर इसका नाम ब्लूटूथ क्यों रखा गया? तो चलिए दोस्तों अपने इस वीडियो के जरिए हम ब्लूटूथ से जुड़े तमाम फैक्ट से आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं हमारा खास एपिसोड फैक्ट से रूबरू। दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आपको ऐसी ही खास जानकारी वाले वीडियो मिलते रहें, क्योंकि ऐसी जानकारियां दैनिक जीवन में न केवल हमारे लिए उपयोगी हैं बल्कि स्टूडेंट्स के लिए इनका खासा महत्व भी है। दोस्तों मोबाइल के चलन में आ जाने के बाद इसमें तमाम तरह के फीचर्स पर काम शुरू हुआ। लोग हेडसेट के जरिए ऑडियो सुनते थे जिसमें तारों का प्रयोग होता था, लिहाजा इंजीनियरों ने इस हेडसेट को मॉडिफाई करने की दिशा में काम शुरू किया। इंजीनियर जोहान उलमैन ने इस दिशा में काम किया, फिर उन्होंने स्वीडन में एरिक्सन मोबाइल कंपनी में काम करते हुए कई आविष्कार किए। साल 89 में एरिक्सन मोबाइल के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर निल्स रिडबेक ने वायरलेस हैंडसेट बनाने की दिशा में पहल की। रिडबेक ने एरिक्सन मोबाइल के रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के डायरेक्टर टॉड विंग्रेन को एक ऐसी डिवाइस बनाने के लिए एक टीम गठित करने के लिए कहा जो हैंडसेट पर डेटा भेज सके और रिसीव भी कर सके। विंग्रेन ने जेफ हॉडसन और स्वेन मेटिसन नामक दो इंजीनियरों की एक टीम गठित की। टीम ने 97 तक तमाम रिसर्च करते हुए आखिरकार प्रोजेक्ट हेड और जॉन जॉनसन के नेतृत्व में एक अनोखी डिवाइस बना डाली जिसे बाद में ब्लूटूथ के नाम से जाना गया। एरिक्सन की तरह नोकिया, आईबीएम, तोशिबा और इंटेल जैसी कंपनियां भी ब्लूटूथ डिवाइस तैयार करने में लगी थीं। लिहाजा इन सब ने मिलकर एसआईजी यानी स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप बनाया और जेफ सी हॉडसन द्वारा बनाई गई डिवाइस को और मॉडिफाई किया। साल 99 में ब्लूटूथ का पहला वर्जन लॉन्च किया गया। दोस्तों ये जानते हैं कि ब्लूटूथ आखिर है क्या। ब्लूटूथ एक शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है। इसका उपयोग तार के बिना दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को आपस में जोड़कर डेटा ट्रांसफर करने में या फिर बातचीत करने में किया जाता है। ब्लूटूथ एक साथ 8 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है। ब्लूटूथ स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, वेबकैम, जीपीएस सिस्टम और लाउडस्पीकर समेत तमाम गैजेट्स में मिल जाता है। इसके जरिए बिना तार के हेडफोन को या स्पीकर को कनेक्ट कर संगीत सुना जा सकता है। इसके जरिए दो स्मार्टफोन के बीच फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। ब्लूटूथ का उपयोग माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड को कनेक्ट करने में भी किया जाता है। ब्लूटूथ 10 मीटर से लेकर 50 मीटर तक आसानी से काम कर सकता है। दोस्तों ब्लूटूथ नाम दिए जाने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि इस नाम को इंटेल इंजीनियर जिम कार्डाच ने सुझाया था। कार्डाच ने ब्लूटूथ एसआईजी बनाने में भी मदद की थी। जब स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप यानी एसआईजी ने ब्लूटूथ डिवाइस खोज निकाली, उसी दौरान कार्डाच ने फ्रेंस जी बैक्टसन की बुक द लॉन्ग शिप्स पढ़ी जिसमें मध्ययुगीन स्कैंडिश राजा हेराल्ड ग्रॉमसन का जिक्र था। हेराल्ड ग्रॉमसन 940 ईस्वी से 986 तक डेनमार्क और नॉर्वे के राजा थे। उनका उपनाम ब्लॉन्टन था। ब्लॉन्टन का मतलब होता है ब्लूटूथ। वो हेराल्ड ब्लूटूथ के नाम से फेमस थे। कहते हैं कि राजा का एक दांत बिल्कुल सड़ गया था, लिहाजा इस दांत का रंग नीला पड़ गया था। इस दांत में जान नहीं थी, लिहाजा इसे ब्लूटूथ कहा जाने लगा। राजा के बारे में एक बात और फेमस थी कि उन्होंने डेनमार्क की जनजातियों को एकजुट कर किंगडम बनाने का काम किया था। ब्लूटूथ भी पीसी और सेलुलर इंडस्ट्रीज को छोटी दूरी के वायरलेस लिंक के साथ एकजुट करने का वैसा ही काम करता है, लिहाजा इसे ब्लूटूथ नाम दिया गया। तो दोस्तों ये रही ब्लूटूथ से जुड़ी दिलचस्प कहानी। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों अगर आप किसी खास विषय पर जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपने मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही एक और खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए
अलविदा।